स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है डेंटल फार्मूलाज के ऊपर। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, अपर जो और लोअर जो दोनों के अंदर टीथ का तो नंबर एक होता है, लेकिन ऊपरी जबड़े का एक अर्धांश और निचले जबड़े का एक अर्धांश राइट इंटू दो तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टीथ। यानी कि डेंटल फार्मूला क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ टीथ फाउंड इन वन हाफ ऑफ अपर जॉ अपॉन नंबर ऑफ टीथ फाउंड इन वन हाफ ऑफ लोअर जॉ इंटू टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाएगा। यानी कि ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या इंटू दो, वही टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, टीथ होगा। मैंने यहां पर कुछ कॉमन जो मैमल्स हैं जिनके ऊपर कभी ना कभी किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी के यहां पर डेंटल फार्मूलाज को मैंने लिखा है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर एक न्यूबॉर्न चाइल्ड की, जिसके अंदर मिल्क डेंटेशन पाया जाता है, दूध के दांत पाए जाते हैं, मतलब कि 6 महीने से ऊपर का बच्चा राइट, जिसके अंदर के दूध के दांत पाए जाते हैं उनके अंदर क्या होगा राइट। तो लिखने का तरीका क्या है, ये इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर एक बार देख लीजिए, बाकी सब के अंदर वो चीज लिखने का तरीका कॉमन रहेगा। ये इंसिजर ऊपर के जबड़े के एक अर्धांश के अंदर राइट, इंसिजर की संख्या अपॉन निचले जबड़े के एक अर्धांश के अंदर दांतों की संख्या, ये कैनाइन है। ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में कैनाइन की संख्या अपॉन निचले जबड़े के एक अर्धांश के अंदर कैनाइन की संख्या। प्रीमोलर ऊपरी जबड़े के अंदर, प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक राइट, ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश के अंदर प्रीमोलर की संख्या अपॉन निचले जबड़े के अंदर, निचले जबड़े के एक अर्धांश के अंदर प्रीमोलर की संख्या। और ये क्या है, मोलर यानी कि ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश के अंदर मोलर की संख्या अपॉन निचले जबड़े के एक अर्धांश के अंदर मोलर की संख्या इंटू टू राइट। तो वो क्या आएगी, टोटल संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना एक न्यूबॉर्न चाइल्ड जो कि 6 महीने का है, जिसके अंदर की मिल्क डेंटेशन यानी कि दूध के दांत इरप्ट हो चुके हैं, उसके अंदर जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2102/2102। ये क्या है, ये ऊपरी जबड़े के एक हाफ में दांतों की संख्या अपॉन निचले जबड़े के एक अर्धांश के अंदर राइट दांतों की संख्या इंटू टू। तो ये कितना आएगा, 20। ये 20 कैसे आया, 2n1 3 3 into 5 2n1 3 3 into 5 5 plus 5 10 10 into 2 20। तो हमेशा याद रखना कि मिल्क डाइलेटेशन जो होता है बच्चों के अंदर, उनके अंदर टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इंसिजर की संख्या कितनी होगी, 8, कैनाइन की संख्या कितनी होगी, 4, प्रीमोलर आप देख सकते होते ही नहीं है, और मोलर की संख्या कितनी होगी, 8। तो कितनी होगी, 8 and 4 12 12 and 8 20। ओके, अब हम बात करते हैं एक एडल्ट ह्यूमन बींग की, एक एडल्ट ह्यूमन बींग की जिसके अंदर विजडम टीथ भी आ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। तो ये 32 कैसी है, तो 2123/2123 यानी कि ऊपरी जबड़े के एक हाफ के अंदर दांतों की संख्या अपॉन निचले जबड़े के एक हाफ में दांतों की संख्या इंटू टू इज इक्वल टू 32। कैसे, 2n1 3 3 into 5 5 and 3 that is 8, 2n1 3 3 into that is 5 5 and 3 8। तो 8 और 8 कितने होंगे, 16 16 into 2 that is 32। तो एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर दांतों की संख्या कितनी है, 32 है राइट। इसका मतलब इंसिजर कितने हैं, 8 है, कैनाइन कितने हैं, 4 है, प्रीमोलर कितने हैं, 8 है, और मोलर कितने हैं, 12 है। तो काउंट कीजिए, 8 and 4 12 and 8 20 plus 12 32। ओके, अब आप देख सकते हो कि एक बच्चे के अंदर जो दूध के दांत होते हैं राइट, जो डाइफाइडोंट होते हैं, जो घिरकर और दोबारा आते हैं, और यहां पर कुछ दांत ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो मोनोफाइडोंट है, एक बार दंती है, जो जीवन में एक बार आते हैं। तो देखो, प्रीमोलर यहां पर तो है ही नहीं, लेकिन यहां पर प्रीमोलर है, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी है, 8 है। तो ये प्रीमोलर जो है वो लाइफ में केवल कितनी बार आएंगे, एक बार आएंगे, तो 8 का तो ये डिफरेंस है। और यहां पर मोलर की संख्या है 8, और यहां पर मोलर की संख्या 12, मतलब कि यहां पर जो अतिरिक्त 4 दांत है वो कौन से, विजडम दांत है। तो कितने हो गए, यहां पर 12 है, यहां पर 8 है, तो 12 माइनस 8 कितने हो गए, 4,
और यहां पर 0 प्रीमोलर है और यहां पर प्रीमोलर कितने हैं 8 है, तो यहां पर कितने हो गए देखिए 8 का तो ये डिफरेंस निकला और 4 का यहां पर ये डिफरेंस निकला, तो 12 दांत अतिरिक्त हैं यहां पर एडल्ट के अंदर और ये मोनोफाइडोंट टीथ होते हैं, ठीक है, यानी कि एक बार आते हैं, तो यहां पर और इसमें कितना फर्क है 12 दांतों का फर्क है, तो ये 20 दांत तो क्या हो गए डाइफाइडोंट हो गए और जो 12 दांत यहां पर एक्स्ट्रा हैं वो क्या हो गए मोनोफाइडोंट। ओके, तो एक बार फिर से बता दूं कि एक चाइल्ड के अंदर जो मिल्क डेंटेशन होता है वो क्या होता है 2102/2102 = 20, यहां पर 2123/2123 = 32। अब यहां पर एक 17 इयर्स ओल्ड बॉय का भी यहां पर मिल्क डेंटेशन, यहां पर एक 17 इयर्स ओल्ड बॉय का अपन ने डेंटेशन लिख रखा है, ये डेंटेशन ये शो कर रहा है कि इसके अंदर जो है वो क्या नहीं होते हैं विजडम टीथ नहीं होता है, तो विजडम टीथ नहीं होंगे तो 4 कम कर दीजिए आप, राइट, तो 4 कम कर देंगे क्यों, क्योंकि विजडम टीथ कब आता है 18 साल से 24 साल के बीच में इरप्ट होता है, तो यहां पर 32 ना होकर और कितने होंगे दैट इज 18, यहां पर कितने होंगे 28 होंगे। ओके, तो देखो इंसिजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 2/2, तो यहां पर क्या हुआ 2122/2122 × 2 = 28, इसमें क्या मिसिंग है यहां पर देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है 212 यहां पर है 212 यहां पर, यहां पर भी 212 है, लेकिन यहां पर जो 3/3 है मोलर्स यहां पर जो आपको दिख रहे हैं यहां पर कितने 12, वो मोलर यहां पर 12 ना होकर और कितने हैं 8 ही है, तो इसका मतलब यहां पर और इसमें कितना फर्क है 4 दांतों का फर्क है, तो 2 × 1 = 3, 3 × 5 = 5, 5 × 2 दैट इज नोन एज 7, यहां पर भी 7 आएगा तो 7 + 7 = 14, 14 × 2 = 28। ओके, याद रखना थर्ड मोलर्स यानी कि तीसरे जो चवर्णक होते हैं वो बहुत लेट अपीयर होते हैं, लेट का मतलब क्या राइट, वो 18 से 24 साल के बीच में इरप्ट होते हैं और इन टीथ को हम क्या बोलते हैं विजडम टीथ कहते हैं यानी कि अक्लदार कहते हैं, और ह्यूमन बींग्स के अंदर इन दांतों को क्या माना गया है वेस्टिजियल माना गया है, अवशेषी माना गया है। ओके, अच्छा याद रखना मैमल्स के अंदर हॉर्स और पिग, प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर हॉर्स और पिग ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मैक्सिमम दांत पाए जाते हैं, यानी कि कितने होते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ टीथ पाए जाते हैं और उनका नंबर कितना है 44 है, तो उनका डेंटल फार्मूला क्या है 3143/3143 × 2 = 44, कैसे 3 × 4 = 4, 4 × 4 = 8, 8 × 3 = 11, तो नीचे भी 11 होंगे तो 11 + 11 = 22, 22 × 2 = 44। ओके, नाउ काउ की यदि बात करते हैं तो इनके अंदर आप देख सकते हो कि ऊपरी जबड़े का डेंटेशन और निचले जबड़े का डेंटेशन यहां पर अलग है, इंसिजर 0/3, कैनाइन 0/1, प्रीमोलर 3/3, मोलर 3/3, यानी कि क्या हुआ 0033/3133 × 2 = कितने होंगे 32, यहां पर ऊपर के जबड़े का डेंटेशन और निचले जबड़े के डेंटेशन में फर्क है, आप देख सकते हो ऊपरी जबड़े के अंदर इंसिजर नहीं है और ऊपरी जबड़े के अंदर कैनाइन भी नहीं है। ओके, तो क्या हुआ 0033/3133 × 2 = 32। नाउ अब आ जाते हैं रैबिट, कई बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि रैबिट के अंदर डेंटल फार्मूला क्या होता है राइट, तो याद रखना 2033/1023 × 2 = कितना होता है 28। याद रखना यहां पर क्या नहीं है कैनाइन नहीं है राइट, नेचर ने जो चीज काम में नहीं आती है उसको ऑर्गेनिजम्स को नहीं दिए, जैसे कि रैबिट क्या है ग्रास ईटिंग है यानी कि हर्बीवोर है, तो उसको फ्लैश वगैरह तो खाना नहीं है तो चीरने फाड़ने का काम तो है ही नहीं, तो कैनाइन जो होते हैं वो उनके अंदर क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, तो याद रखना कि दो दांतों के बीच में स्पेस बिटवीन टू टीथ राइट, जैसे कि यहां पर इंसिजर और प्रीमोलर के बीच में कैनाइन नहीं है, इंसिजर और प्रीमोलर के बीच में कैनाइन नहीं है तो नेचुरली कि इंसिजर और प्रीमोलर के बीच में खाली स्थान पाया जाएगा, उस खाली स्थान को हम लोग क्या कह देते हैं डायस्टेमा के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ कैट के अंदर देखिए यहां पर भी ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के अंदर थोड़ा सा यहां पर फर्क है, यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने 30 है, 3131/3121, याद रखना 3131/3121 × 2 = कितना है 30 है, तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना 3131/3121, ये किसका है कैट का डेंटल फार्मूला है।
रेट के अंदर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट मेमल है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेट के अंदर जो है वो दांतों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। 1003 अपॉन 1003 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। याद रखना ये ग्नोइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुतरने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनके अंदर इंसिजर्स तो डेवलप्ड है ये, लेकिन कैनाइन और प्रीमोलर इनके अंदर नहीं है। तो 3 and 1, 4 plus 4 कितना हुआ 8, 8 into 2 कितना हुआ 16। तो रेट के अंदर टोटल दांतों की संख्या कितनी है 16 है। अब डॉग के अंदर देखो राइट 3142 अपॉन 3143, याद रखना 3142 अपॉन 3143 into 2 is equal to कितना है 42। अच्छा डॉग भी कैसा है तो कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो यहां पर देखो राइट क्योंकि ये फ्लैश भी खाते हैं तो उसके अंदर कैनाइंस क्या होते हैं डेवलप होंगे। तो लास्ट अपर प्रीमोलर, याद रखना लास्ट अपर प्रीमोलर का मतलब है ऊपरी जबड़े के अंदर जो लास्ट प्रीमोलर है और निचले जबड़े के अंदर जो फर्स्ट, क्या कहा, निचले जबड़े के अंदर फर्स्ट लोअर मोलर टीथ है। वापिस से बोल दूं, लास्ट अपर प्रीमोलर एंड फर्स्ट लोअर मोलर टीथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निशियल टीथ कहते हैं। और ये जो कार्निशियल टीथ होते हैं ये डॉग्स के अंदर या जितने भी जो कार्निवोर्स होते हैं उनके अंदर फ्लैश को काटने के क्या आते हैं, ये काम में आते हैं। फ्लैश को काटने के जो काम में आते हैं वो कौन से हैं, कार्निशियल टीथ है। वी कैन से दे आर यूज्ड फॉर शियरिंग द फ्लैश, यानी कि फ्लैश को, मांस को काटने के क्या आते हैं, ये काम में आते हैं। तो डॉग के अंदर क्या हुआ 3142 अपॉन 3143 इंटू 2 इज इक्वल टू 42। अच्छा एलिफेंट के अंदर याद रखो यहां पर भी ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के अंदर डेंटेशन में थोड़ा फर्क है। ऊपरी जबड़े के अंदर देखो 1003 अपॉन 0003 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। कैसे 3 and 1, 4 और ये कितना है, नीचे वाले जबड़े के अंदर कितने हैं, एक हाफ में कितने हैं, दैट इज 3। तो 4 and 3 कितना हुआ 7, 7 into 2 कितना हुआ, दैट इज 14। और याद रखना एलिफेंट के अंदर जो अपर इंसिजर दांत होते हैं, ऊपरी कृंतक दांत जो होते हैं राइट, कौन से, ये वाले अपर इंसिजर टीथ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट टस्क कहते हैं या टस्क ऑफ एलिफेंट कहते हैं, जिससे कि आइवरी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सब डेंटल फार्मूला से याद रखना, एक तो चाइल्ड का ह्यूमन बींग के अंदर मिल्क डेंटेशन का फार्मूला राइट, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ 20 है, एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर 32 है, एक 17 ईयर्स ओल्ड बॉय जिसके अंदर विजडम टीथ बाहर नहीं निकले उसके अंदर जो डेंटल नंबर है राइट वो कितना है 28 है, हॉर्स और पिक के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो टीथ प्रेजेंट है 44, काऊ के अंदर जो होता है वो कितना होता है 32, रैबिट के अंदर 28, कैट के अंदर 30, रेट के अंदर 16, डॉग के अंदर 42 और एलिफेंट के अंदर 14। ओके सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस को लेकर आएंगे, सो कीप वॉचिंग। इफ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो यू कैन टेक।